किसी वजह पर जल्दी त्रा। आज हम गुजर बस्ती छत्रगाम त्राल में हैं। यहाँ पे एक गुजर बस्ती है जिसमें करीबन 20 घर रहते हैं, लेकिन इनके पास यहाँ पे आने का रास्ता ही नहीं है, मतलब कि यहाँ पे सड़क ही नहीं है। इनको कम से कम 3 किलोमीटर चल के आना पड़ता है, फिर यहाँ पे पहुँचते हैं। ना आपको सुकून, तो बच्चा बर्फदार उधर आया, इधर ही आया, बच्चा पढ़ाएगा कुछ ना। आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं, कितना टाइम हो गया? दस साल हो गए। तो कभी गवर्नमेंट के पास गए? हाँ, बहुत गया। नलका भी दरखास्त हो, दरखाए खाए वो पावर के बाद भी दरखास्त भी खाए। मैं इनका इसको नाल खरीदा मजदूरी के लिए। पावर आता है कभी यहाँ पे? तार वार लगी है यहाँ पे कहीं? नहीं, बिजली का ट्रांसफार्मर लगा है? ना, कुछ भी नहीं। आज तक कभी लाइट आई थी यहाँ पे? 10 साल हो गए तो कितना है वो थोड़ा कोई करा। 10 साल कुछ नहीं। बिजली और सड़क के अलावा यहाँ पे पानी भी नहीं है और स्कूल भी नहीं है। पानी के लिए इनको 5 किलोमीटर जाना पड़ता है, और जो स्कूल है स्कूल के लिए 10 किलोमीटर जाना पड़ता है, और इनके जो बच्चे हैं वो घर में ही बैठे हैं। आप नहीं गए हो कभी गवर्नमेंट के पास? हाँ गए थे। क्या बोला उन्होंने? बोले देंगे देंगे देंगे। बच्चों को कितनी मुश्किलात हो रही है? कैसे मुश्किल होगी, स्कूल नहीं जाते हो? क्यों नहीं जाते हैं? फिर क्या जाएगा, निकल बच्चे क्या जाए, दूर है ना। मकान के लिए और नहीं कुछ तरह कोई चीज नहीं तरी बिल्कुल। फिर दवाई कहाँ लगाई? दवाई लगाई उधर त्राल से। यहाँ कब से रह रहे हो आप लोग? आप लोग 10 साल हो गए हैं, 11वीं साल चलने लगे। 10 साल हो गए। हमारा हमसाया, क्या 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 मुश्किलों का सामना कर रहे हो आप लोग? सब का मुश्किल है, सब चीज की मुश्किल है। तो हम लोग पावर नहीं कुछ, सड़क नहीं कख, पानी नहीं कख, साल तो इधर से जाते हैं, उधर गांव से लेते हैं इधर से। अच्छा, बच्चों के लिए कोई स्कूल वगैरह? कख नहीं बच्चों के लिए, ये बच्चे दो त्रै उधर ले गया चाल द्रमण ने। दो त्रै के कुल बच्चा वो तो उधर ही रहा नहीं है, दूर था उधर नाश कर आ गया। कोई बीमार होगा, बच्चा बीमार होगा या कोई बड़ा बीमार होगा, क्या करते हो उस टाइम? क्या करते इधर कंधे पर उठा कर जाते हैं गांव में, उधर करते हैं गाड़ी फर जाते हैं। अच्छा, बागात बागात है कुछ? बाग वाग है, मेवा वेवा? बाग का कख नहीं, बाग ना इसमें मेवा है ना कुछ है, इस साल बिल्कुल कख। रेडियो टेलीविजन ये कुछ है आपके घर में? कुछ नहीं है, क्या है हम लाइट नहीं कुछ नहीं है। रात मोरे बाल का खाना खाते है, चूल्हे में आग ओखर जोड़ कर खाना खाते है, इधर कहाँ है? और हमको नहीं है वो, नहीं चूल्हा नहीं, गैस नहीं कुछ नहीं। इन लोगों को पिछले 10 साल से बिजली ही नहीं है, ये लोग नहीं जानते कि बिजली का बल्ब कैसा होता है। ये लोग इन सोलर लाइटों का इस्तेमाल करके दिन को चार्ज करके रात को इनसे गुजारा करते हैं। ये बाथरूम है, बाथरूम बड़ा मसला तो नहीं है ना? हर जगह दे दिए, वो दे दिए ना इन्होंने वो एक एक पॉइंट, हमको वो भी नहीं। अभी आप मुझे बताओ गवर्नमेंट की कोई भी चीज़? आप कोई चीज़ नहीं हमारे पास राशन कार्ड के बगैर, वो भी हमारा पुराना बना हुआ है, बस उसके बगैर कुछ नहीं दिया। और हमने फिर बाद में डीसी के पास, वो कौन सी जगह है जहाँ हमने कागज पहुँचाए नहीं? ठीक, आज नहीं कल देखेंगे, कल नहीं परसों देखेंगे, वो करेंगे ये करेंगे। इस सिलसिले को चलते हुए 8 साल हो गई, 8 साल मुसलसल। ठीक है, अभी यहाँ कुछ भी नहीं मिली। मजदूरी क्या क्या मजदूरी करते हैं? हर कोई मजदूरी करते हैं। कहाँ पे जाते हैं मजदूरी? बस्त्राल कश्मीरियों पे यहाँ से। अच्छा, जब हमें सर्दियों में पानी खत्म हुआ, लोगों ने गेट बंद कर लिए, मजदूरी के पैसे दे के हमने पानी लाया, और यहाँ पीएचई वाले पहुंचे भी, उन्होंने देखे भी, ये इस टीवी तक ये मसला पहुंचा, लेकिन गौर किसी ने नहीं किया। अभी पानी कहाँ से लाते हो? अब तो हमने ये कुआं निकाला, जमीन से निकालते। उसके लिए गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट किया? ना 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 बिल्कुल कोई। मेरी यही कोशिश रहेगी, मैं एमएलए साहब को फिर आगाह करूंगा, एमएलए साहब को बताऊंगा, और डीसी साहब से भी मुलाकात करूंगा, और बताऊंगा कि इनकी जो जो ये प्रॉब्लम है, बिजली है, पानी है, और ये स्कूल का मसला है, आंगनवाड़ी सेंटर है,
जो कुछ भी प्रॉब्लम है ये हल की जाए, अगर नहीं करेंगे तो ये प्रोटेस्ट पर कल उतरेंगे, मैं इनके साथ हूँ। ये प्रॉब्लम हम चाहते हैं कि डीसी पुलवामा खुद देखे। नाजरीन, आप डीसी पुलवामा के फ़ोन नंबर 9419150994 पर कॉल करें और उन्हें इस प्रॉब्लम से आगाह करें ताकि ये लोग भी हमारी तरह अच्छे से गुजर बसर कर सकें। हम हैं कश्मीर अनहर्ड टीम त्राल, जम्मू कश्मीर से।